हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम स्टडी विद मीना। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मींस वी आर गोइंग टू नो, वी हैव टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टू कीप इट माइंड दैट नेट एंड JRF सितंबर 2020। इस एग्ज़ाम को हम लोग माइंड में रखते ही RC को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके 1-2 RC से ही कम्प्लीटली प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से कर लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व, जिससे कि नहीं होंगे कोई भी क्वेश्चन गलत। सो गाइज, इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और टिल लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। सो ट्रेन योर ब्रेन, मतलब हमें हमारे ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना है, रीड एवरी डे, राइट डाउन योर आइडियाज़, हम अपने आइडियाज़ को राइट डाउन कर सके, गेट आउट योर कम्फर्ट जोन से बाहर आएँ, एक्सरसाइज रेगुलरली, सब पढ़ते पढ़ते ही एक्सरसाइज करना करो गाइस, जैसे चल लिया करो एक्सेट्रा, कुछ भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो बैठे बैठे ही। यूज़ ब्रेन इन ट्रेनिंग एप्स, अपने ब्रेन को ट्रेनिंग एप्स में यूज़ करो, मीन्स ट्रेनिंग एप्स क्या होते हैं, जैसे कि कुछ भी चीज़ जो अच्छे के लिए होती है उसको उसमें यूज़ किया करो। मीडिएट, ध्यान लगाया करो, प्रैक्टिस ग्रेजुएट और कीप अ जनरल, प्रैक्टिस करो और जनरल को स्टार्ट करो। सो शुड आई स्टार्ट विद टुडेज, ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये बच्चे सब जा रहे हैं RC की प्रैक्टिस करने के लिए, कहाँ पे जा रहे हैं, हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं, और ये रहा हमारा टन टन डन, लेट अस स्टार्ट। सो गाइज, एक चीज़ मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी गाइज, डू यू वॉन्ट डैट, मैं प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस किया है ना, वो आपके साथ शेयर करूँ, ऑफ Paper 1 and Paper 2 बोथ। सो चलो मैं इसको शेयर कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा, लेट अस स्टार्ट। सो हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स किसको याद है, सबसे पहले बोलो जल्दी से फटाफट, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स थी फर्स्ट? डोंट पैनिक, फिर सेकंड RC को नहीं पढ़ना, थर्ड गो थ्रू द क्वेश्चन, फोर्थ कीवर्ड्स रिटर्न करने, फिर देन डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, फिर जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, ये हमारा पैसेज हमें नहीं पढ़ना है। द टाइम साइकिल ऑफ द सिस्टम नेचर्स फॉलो देयर, जो टाइम साइकिल का जो नेचर है ना वो क्या फॉलो करता है। चलो अब हम इसको देखेंगे आगे क्या हो रहा है, पता नहीं। सो गाइज, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, द व्यू सीन बाय द पैसेंजर, पैसेंजर ने कैसा व्यू देखा था, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, राइट इट डाउन, एयरक्राफ्ट व्यू। नाउ दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, सॉरी गाइस क्या हो रहा है पता नहीं, मैन और नेचर का इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए। सो गाइस, दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, इन इज पैटर्न ऑफ स्टडी ऑब्जर्व फिनोमेनन, कौन से पैटर्न ऑफ स्टडी को हम लोग फॉलो करते हैं। सो हेयर इज आर द फिफ्थ क्वेश्चन, अलाइनमेंट ऑफ लैंड मास, मतलब कौन सा अलाइनमेंट है। सो चलो अब हम चलते हैं हमारे पैसेज के थ्रू, हमने कीवर्ड्स लिख लिए हैं, चलो मार्क करते हैं हम लोग, अलग अलग मार्कर से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं, चलो पैसेज पढ़ो। ज्योग्राफिकली सीक टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, इंटर रिलेटेड थीम्स एंड फ्रीक्वेंटली सीन, दीज आर द स्केल पैटर्न एंड द प्रोसेस फिनोमिनन स्टडीड एट अ पर्टिकुलर स्केल, पैटर्न इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिप्शन व्हेन द पैसेंजर, ये देखो एयरक्राफ्ट में बैठा था जब, looks out the window, the view can changes according to the scale, at a global scale the aircraft maintain passenger, at the continental scale, ये आंसर है, आंसर ना बस सेकेंड का, ठीक है। चलो हम कलर चेंज कर देते हैं, हमारे पास ऑरेंज कलर है गाइस, देखो जैसे सब पढ़ोगे ना तो अपने क्वेश्चंस किए भरेंगे ना, आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे।
ये देखो रिदम, ये हमारा किसका आंसर है, ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। नाउ अगेन कलर चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये रहा हमारे थर्ड का आंसर, थर्ड का। ये रहा फोर्थ, ये रहा हमारा फिफ्थ आंसर। चलो अब हम चलते हैं हमारे पैसेज में। चलो इसका क्या था फर्स्ट का आंसर, रिदम। चलो जिसका भी देखो रिदम क्या है, करेक्ट है। मैं आपको क्या बोलूँगा, जैसे अगर अपन कामली एक बार पैसेज को पढ़ेंगे ना, डेफिनेटली हमारे आंसर सही होंगे। प्लस टू डेफिनेटली, अब तो सबका सही होना चाहिए गाइस। एयरक्राफ्ट ने उस तक कैसा देखा, क्या देखा गाइस एयरक्राफ्ट में, जल्दी से कमेंट करके बता। क्या देखा था, स्केल, ठीक है। प्लस टू। नाउ दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड एड्रेस, इन दोनों में कंफ्यूजन है, देखते हैं चलो क्या आता है। ये देखो एड्रेसेस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलो प्लस टू। नाउ इसमें क्या आएगा, एट अ पर्टिकुलर स्केल, ये हमारा ये भी करेक्ट। द अलाइनमेंट ऑफ लैंड मास विद द अदर एलिमेंट कैन बी पैसेंजर ऑन अ फ्लाइट ऑन कॉन्टिनेंटल स्केल, जिसके भी ये भी कॉन्टिनेंटल स्केल सही हुआ है। सो वेरी गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक इट, इफ यू वॉन्ट गिव टू एनी सजेशन टू मी प्लीज कमेंट, देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज, एंड आज आपके कितने भी मार्क्स आए हो गाइज प्लीज़ देखो, मैंने आज, मैं पहले बहुत टाइम लगाती थी आरसी में, 20 मिनट्स लगाती थी, अब हमको विद इन 5 मिनट्स में आरसी का वीडियो ख़त्म करना है, बिकॉज हमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर हम लोग 5 मिनट से ज़्यादा टाइम अगर आरसी पे ही वेस्ट कर देंगे, डेट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो गाइस प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इसको ढंग से कीजिएगा जिससे कि आपको समझ आ जाए। सो प्लीज़ गाइज डू योर बेस्ट, और हमें हमारा JRF निकाल के ऐसे ही टारगेटेड लग के और ऐसे ही हैप्पी हैप्पी रहना है और हमेशा मोटिवेटेड रहना है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस, ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए, और हमें हमारा नेट और JRF निकाल के हमें हमारे मम्मा पापा को हमारे ऊपर प्राउड करवाना है। सो बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी वेरी वेरी हार्ड, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।